हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। माई सेल्फ पीसी नायक। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक्सट्रीम टरबाइन में क्या क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम के वजह से एक टरबाइन का स्टीम में मॉइस्चर यानी कि वेटनेस रहता है। और ये जो मॉइस्चर यानी कि वेटनेस एक्सट्रीम में रहेगा उसका अलाइबल लिमिट कितना रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछता है। उसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम है जिसके कारण टरबाइन का स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट रहता है। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इसी तरह का टेक्निकल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे एक्सट्रीम टरबाइन का स्टीम में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसका अलाइबल लिमिट कितना रहना चाहिए या कितना रहता है मैक्सिमम लिमिट। नॉर्मल ऑपरेशन में एक टरबाइन का स्टीम में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसका अलाइबल लिमिट है यानी कि एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है, 10%। ओके, 10% रहता है। इसको आप याद रखिए, एक मॉइस्चर कंटेंट रहेगा टरबाइन का स्टीम में 10% मैक्सिमम। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कारण के वजह से एक टरबाइन का स्टीम में वेटनेस यानी कि मॉइस्चर कंटेंट रहता है। टोटल 5 पॉइंट्स है जिसके वजह से एक टरबाइन का स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट रहता है। नंबर वन में क्या है? नंबर वन में हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट एचपी टरबाइन इनलेट। एक एचपी टरबाइन इनलेट में यदि मॉइस्चर कंटेंट रहेगा स्टीम में, उसके वजह से जो टरबाइन का स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस है, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट रहेगा स्टीम में। ओके, तो क्यों? क्योंकि यदि बॉयलर से जो स्टीम आ रहा है, यदि उसमें वेटनेस का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा या फिर बॉयलर और टरबाइन को जो लाइन कनेक्ट करता है, स्टीम लाइन, जनरली वहाँ पे स्टीम ट्रफ या ड्रेन वाल्व लगा रहता है जो कि कंडेंसेट को ड्रेन करता है। ओके, यदि वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो उस समय क्या होगा, ना एचपी टरबाइन का इनलेट में मॉइस्चर कंटेंट स्टीम में बढ़ जाएगा। क्लियर। नंबर टू, लॉस ऑफ रीहीटिंग। जो स्टीम हम एलपी टरबाइन में यूज़ करेंगे, यदि उसको हम प्रॉपरली रीहीट नहीं करेंगे, यानी कि पार्शियल रीहीट करेंगे या टोटली हम रीहीट ही नहीं करेंगे, तो उस समय क्या होगा, ना स्टीम में मॉइस्चर क्वांटिटी बढ़ जाता है। ओके, यानी कि एलपी टरबाइन जो है उस स्टेज में आपका मॉइस्चर क्वांटिटी बढ़ जाएगा। नंबर थ्री में, मालफंक्शन ऑफ मॉइस्चर सेपरेटर एंड रीहीटर। यदि मॉइस्चर सेपरेटर या रीहीटर ये दोनों मालफंक्शन करेंगे तो चांसेस बढ़ जाता है स्टीम में मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो परसेंट बढ़ने के लिए बढ़ जाता है, चांसेस ज़्यादा रहेगा मॉइस्चर क्वांटिटी। पॉइंट फोर में, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एक्सट्रैक्शन स्टीम फ्लो। टरबाइन में जो एक्सट्रैक्शन रहता है उसका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये टरबाइन में जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा स्टीम में उसको घटाने के लिए। कैसे? ना स्टीम फ्लो जो है एक्सट्रैक्शन को होता है, जब सर्विस में रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट
टरबाइन का लास्ट स्टेज को नहीं जाके एक्सट्रैक्शन में निकल जाता है। ओके, पॉइंट फाइव, क्लॉक टरबाइन ड्रेन्स। यदि टरबाइन ड्रेन जो कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, टरबाइन का डिफरेंट स्टेजेस में ड्रेन निकला रहता है। जैसे आपका एचपी साइड में एचपी ड्रेन रहेगा, एक मिडिल में रहता है इंटरमीडिएट ड्रेन, फिर एलपी साइड ड्रेन, इसे 6-7 तो ड्रेन रहता है, केसिंग ड्रेन। ओके, यदि ये ड्रेन पॉइंट क्लॉग हो जाएगा यानी कि चौक हो जाएगा, तो जो कंडेंसेट टरबाइन का केसिंग में रहता है वो बाहर को निकल नहीं पाएगा। ओके, तो जो स्टीम आएगा उसके साथ वो मिक्सअप होके जो मॉइस्चर कंटेंट फॉर्मेशन करेगा। तो ये था फाइव पॉइंट्स जिसके कारण एक टरबाइन का स्टीम में मॉइस्चर कंटेंट रहता है, और कितना अमाउंट का रहता है ये इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।